अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और आज आपको मेरे हाथ में जो गुलदस्ता नज़र आ रहा है, ये जनाब मेरे मियाँ का प्यार है, जो 10 साल रफाकत का, 10 साल जो उन्होंने मेरे साथ दिया है, ये उस प्यार की निशानी है। और जिस तरह उनकी मोहब्बत 10 सालों में कम नहीं हुई, इसी तरह इसकी खुशबू हुई कि कल का आया हुआ है और इसकी खुशबू जो है वो भी नहीं कम हुई। वजह ये है जी, हमारी एनिवर्सरी नहीं है जनाब, मेरी बर्थडे थी कल, 9 दिसंबर था और मेरी बर्थडे थी। हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी, उसके कुछ वीडियोस जो हैं वो, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हम लोगों ने कर ली है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो हुआ कुछ यूँ कि बर्थडे जब शादी से पहले होती थी तो तब थोड़ा चाम होता था, लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपको अपनी बर्थडे जो है वो फिर सेलिब्रेट करने का दिल नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने चूँकि देखा कि मेरी 7 साल बेटी है ज़ायना फजर और जुहेर 5 साल का बेटा है, तो अब बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो सरप्राइज़ जो है वो प्लान करती है, और बाबा के साथ बाकायदा वो प्लान उसने किया हुआ था कि हम मामा के लिए ये करेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं सुबह सुबह लेके आए थे, इसकी वीडियो भी उसने बनाई थी, लेकिन अनलकीली वो वीडियो जो है वो जनाब नहीं सही तरीके से रिकॉर्ड हो सकी, क्योंकि ज़ायना से कैमरा वर्क सही नहीं हो सका। तो ये सुबह सुबह मुझे नीचे झुक के मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रेजेंट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उससे पहले बच्चों ने मुझे कार्ड बना के, सरप्राइज़ कार्ड बनाए हुए थे, मैंने देखा नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था ये कुछ ना कुछ तीनों मिलके सरप्राइज़ कर रहे हैं। तो वो कार्ड भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इन बच्चों के लिए, आपको पता, छोटी छोटी खुशियों के लिए हम लोगों को, बड़ों को बहुत कुछ इनका साथ देना पड़ता है। तो ये जनाब, ये ज़ायना ने कार्ड बनाया है, ये देखें जी, ऊपर लिखा हुआ है मॉम हैप्पी बर्थ, के स्पेलिंग थोड़े रॉन्ग हैं, हैप्पी बर्थडे टू मॉम। अच्छा जी, ये ऊपर उसने शाइनिंग पेपर लगाए हुए हैं, ये देखें जी, ये उसने खुद सारा लिखा है। When the mom birthday will come, we will celebrate room. और happy birthday, I love you mom. और नीचे ये केक बना हुआ है, केक के ऊपर उसने बकायदा फ्रूट्स बना के, और फ्रूट्स भी मैंशन किए हुए हैं, बलून्स बने हुए हैं, एंड यू आर द बेस्ट इन माई लाइफ। ये मेरी बेटी का बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है, जो कि एक माँ के लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है, हमारे यहाँ जो बड़े करते हैं वही छोटे जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं, तो ज़ायना ने जो किया तो जुहेर ने भी उसको फॉलो करते हुए ये मेरे बेटे ने क्यूट सा कार्ड बनाया है मेरे लिए पेपर वर्क का, लव यू मॉम। जुहेर को अभी स्पेल नहीं आते, लेकिन बाबा से कान में पूछ पूछ के वो ये लिख रहा था, फ्राम जुहेर बट। और ये हार्ट बनाया है, हार्ट उसने ये मेरे लिए बनाया है। इसके अलावा ये उसने गाड़ी बनाई है, ये देखें, ये छोटी सी गाड़ी बनी हुई है, उसमें उसकी मामा खड़ी हैं और साथ ये छोटा सा जुहेर है। जुहेर का कार्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग आउटिंग पे जाएंगे, वहाँ मैं डिनर वगैरह मेरे हस्बैंड करवाएंगे, तो लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि कल एक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारा प्लान जो है वो बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा वो जो रात को केक कटिंग की सेलिब्रेशन थी वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, ताकि मेरी इस फैमिली के साथ साथ मेरी यूट्यूब फैमिली भी देख ले कि मैंने किस तरह से अपने बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की, और वो भी अपने दो छोटे छोटे मंकीज़ के साथ और अपने लवली हस्बैंड के साथ। और इसके अलावा आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी बच्चे हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कईयों के बच्चे बड़े बड़े होंगे, कईयों के छोटे होंगे, या आपके फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड किस तरह से करते हैं, वो आइडियाज़ भी मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट मेरे हस्बैंड की बर्थडे आ रही है, मैं उसमें कोई इस तरह की सेलिब्रेट कर सकूँ, हमारी एनिवर्सरी आ रही है, मुझे कोई आइडिया क्लिक करे, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सा व्लॉग बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। मेरे हस्बैंड की ये जो लवली सी चॉइस है, गिफ्ट है, बुके है, ये उन्होंने बनाया, और ये बच्चों ने जो कार्ड बनाया ये भी आप लोगों ने बताना है। अभी कुछ गिफ्ट्स जो हैं जो मुझे दूसरों की तरफ से आए थे वो घर में पेंडिंग पे पड़े हुए थे, वो जब मैं स्टिच करवाऊंगी, स्टिच से आप लोगों को, ख़वातीन को पता चल गया होगा कि वो क्या चीज़ें हैं, तो फिर मैं उसका अलग से व्लॉग बना के आप लोगों को बता दूंगी। और इसके अलावा जो एंड में मैंने आप लोगों को बताना था कि मुझे फ़र्स्ट पीआर पैकेज जनाब ये आया है, ये फातिमा गैजेट के नाम से यूट्यूब चैनल है इन भाई का,
और इनके जो चैनल का क्राइटेरिया है ये वीलॉग करके उसमें जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर बकायदा से उनका एक उन नामों को वो करते हैं, फहरिस्त में रखते हैं, लिस्ट में लाते हैं और फिर गिव अवे करते हैं। इनका हर वीलॉग जो है वो गिव अवे होता है और जिसमें मोस्टली टायर्स होते हैं और जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे हैं वो तो लाजमी इनके गिव अवे में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टायर्स जो हैं वो जो आप विन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कुछ टायर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने इनकी दो एक दो वीडियो देखी हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह से ये होता है कि बंदा पार्टिसिपेट भी करता है और बच्चों के लिए आप सरप्राइज़ गिफ्ट जो हैं वो भी उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये आज सुबह सुबह हम लोगों को रिसीव हुआ है और ये वॉच है, स्मार्ट वॉच है, मेरे तो ये काम की नहीं है और लेकिन आपको पता है कि मेरे हस्बैंड हमारे घर में दो आदमी है, एक छोटा आदमी है मेरा बेटा है तो एक मेरे हस्बैंड है, तो ये उन्हीं के इस्तेमाल में आएगी क्योंकि लड़कियों वाला आपको पता है लड़कियों का काम नहीं है। तो मैंने कहा ये जब मैं फर्स्ट पीआर खोलूंगी तो अपनी इस यूट्यूब फैमिली के साथ ही खोलूंगी कि उन लोगों को दिखाऊं। ये लें जी, ये वॉच है, स्मार्ट वॉच है, नीचे इसके ये जो हैं क्या बोलते हैं यार इसको, ये इसके स्ट्रैप्स वगैरह हैं, ये साथ इसके जब होंगे जुड़ेंगे तो ये आपको मेरे हस्बैंड जब पहनेंगे तो मैं आपको भी वो पिक्चर शायद मैं कम्युनिटी में लगा दूं, आप लोग देखिएगा। ये हम लोगों ने उसमें विन किया है या उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है तो मुझे ये बहुत क्यूट सा लगा है और थैंक यू भाई आप लोग आपने हमें ये सेंड किया। होपफुली ये मेरे हस्बैंड को भी पसंद आएगा, जब वो यूज़ करेंगे तो फिर इसका बताएंगे। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसके अलावा शेयर करें और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइज जो है वो जीतें। ये था आज का फर्स्ट पीआर, मेरी बर्थडे उसकी जो सेलिब्रेशन थी उसके मतलब ये वीलॉग था। वो ड्रेस तो नहीं पहना मैंने बकायदा से, वो ड्रेस भी बर्थडे के लिए किया हुआ था और मेरा बैग भी था, वो शूज़ भी थे, बर्थडे के लिए नहीं थे लेकिन ऑलरेडी मेरे वो पड़े हुए थे, न्यू थे तो मैंने कहा मैं अपने बर्थडे पे यूज़ कर लूँगी, लेकिन वो बर्थडे उस तरह से हम लोग प्लान नहीं कर सके। लेकिन जितनी भी प्लानिंग हुई है ये बहुत क्यूट की है, मेरी फैमिली ने मेरे लिए किया है, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत पढ़ सकती है। आई लव यू माई हस्बैंड, माई लिटल मंकीज और लव यू टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप लोगों को ये वीलॉग पसंद आएगा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है और मुझे ये भी आइडिया दिया करें कि मैं नेक्स्ट वीलॉग किस पे बनाऊँ, कुछ ना कुछ आइडिया मुझे देते रहा करें और प्लीज़ इस तरह के आइडिया ना दिया करें कि जो कि ऑकवर्ड लगें, वो आइडिया दिया करें कि जो छोटी सी फैमिली में हम लोग कर सकें और मेरे लिए करना ईजी हो। ठीक है, आपको भी पता है कि मैं हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चों को बहुत से काम होते हैं लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली के लिए ASMR वीडियोस के साथ साथ ये वीलॉग भी करती हूँ ताकि कुछ फैमिली मेम्बर को ये मेरा वीलॉग जो है जिनको ASMR वीडियोस नहीं पसंद वो ये वीलॉग पसंद करें और उनका इंटरेस्ट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, इस खूबसूरत सनी वेदर के साथ सब हम गदर्स को इजाज़त दें और बाय, अल्लाह हाफिज़।